इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पोल्ट्री फार्म्स है, अपना कारोबार है, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि अब पिछले डेढ़ महीने से इतने फ्लॉक्स पड़ गए हैं, इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि अगले डेढ़ से दो महीने के अंदर कीमत दोबारा जो है ना उसी 110, 15, 20 के ऊपर जो है वो अंडों की आ जाएगी। ये कीमत इस वजह से हुई। पूरी बात सुन लो यार। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको मतलब बात समझा रहा हूँ फैक्चुअल फिगर्स में। जी जी जी, मतलब मेरी मजाल की मैं दुम मारूं। पूरे पाकिस्तान, नहीं नहीं नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पूरा एक साल कोरोना वायरस का क्राइसिस जो पूरा रहा, पोल्ट्री में अंडों की, मुर्गी की खपत जो है उसको, उसका फ्लॉक जो है ना इंतहाई कम डले, जिसकी वजह से अंडे की पैदावार भी कम हुई। कम होने की वजह से मार्केट में कमयाब हो गई। कमयाब होने की वजह से कीमत बढ़ गई। अब लोगों ने इतना अंडा की मुर्गी डाल दी है पिछले दो तीन माह से, कि जो अगले डेढ़ महीने तक उसकी जब पैदावार शुरू होनी है वो बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा पैदावार और नॉर्मल पुरानी ये कीमत दोबारा आ जाएगी। बेहतरीन, अब सवाल की जाए सर। अच्छा, आपने मुझे फिर एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, मुझे कोई शरीफ आदमी समझ करके। लेकिन सर, मैं इन्वर्टेड कॉमास में शरीफ हूँ, डेढ़ महीने बाद तो कराची में सर्दी का सीन भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। सर, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे मलका बरतानिया से मेरे ख्याल है किसी बदबख्त ने महंगाई की शिकायत की थी, तो उसने कहा था कि रोटी मत खाओ, और फिर जो कहा था खाने के लिए आप भी जानते हैं। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, सर 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 थोड़ा सा, मैंने केक का नहीं सर, अभी तो मैंने दौड़ना शुरू किया, अभी बॉल कहां फेंकी है सर, थोड़ा सा तवक्को। अच्छा, दूसरी बात जनाबे मन, दो महीने के बाद सर्दी चली जाएगी तो मैं अंडे क्या बगल में रख करके और बाहर में वर्जिश करने के लिए जाऊंगा। सर्दी तो अभी है, अंडे तो अभी खाने हैं, अंडे अभी चाहिए। मुझे भूख लगी है, आप मुझे कोका कोला की बोतल दे रहे हैं। मुझे प्यास लगी है, आप मुझे बिरयानी दे रहे हैं। ये बिल्कुल अलग सी बात है। दूसरी बात सर, इसी बात को मैं मसीहा के बयान से कनेक्ट करता हूं। जिस वक्त चीनी 110 रुपए मिल रही थी, इस्लामाबाद से कराची तक कोई एक शेर नर मौजूद नहीं था इस एक साफत में, इस एक सियासत में, सॉरी, कि जो बात करता, जो ये कहता कि ये मेरी गलती है, ये मेरी बदामालियों की सजा है, या ये मेरे जोमाए हुकूमत की जिसको कहते हैं करप्शन का नतीजा है, या ये हमारी जिसको कहते हैं इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि इस वक्त चीनी नहीं मिल रही। उस वक्त ये कहा जाता था कि जी सूबाई मामला है, जो कि है, हम जानते हैं। ताहम उस वक्त वो मुतनाज़े तरीन ट्वीट दागने की क्या जरूरत थी जब चीनी 110 से 80 रुपए चली गई। मसीहा ने एक ट्वीट दाग दिया। मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसकी बेहतरीन काविशों से जो है चीनी जो है वो 80 से 82 रुपए या 85 रुपए बिक रही है। और उसके बाद कल एक इंटरव्यू में फिर उन्होंने कहा है कि जी जब कीमत बढ़ी थी तो लोग हमें कोस रहे थे, जबकि ये सूबाई मामला है। सर इंतहाई कंफ्यूजन है इस्लामाबाद में, इंतहाई कंफ्यूजन है सर, कुछ फरमाइए। अब ये जो 7 मिनट का सवाल पूछा है ना, तो 5 मिनट का जवाब भी सुन लेना, बीच में टोकना ना। देखो, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि 18वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है कि जिसने पाकिस्तान की सियासत का भी, पाकिस्तान की मीशत का भी, और पाकिस्तान की जो कानूनी सूरत हाल है, सबका जनाजा निकाला हुआ है। अब इस 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें, आप देखें, फूड सिक्योरिटी वो डिपार्टमेंट वफाक को दिया हुआ है, लेकिन नीचे फूड सिक्योरिटी से रेलेवेंट जितने मामलात हैं, महकमा खुराक हो गया, महकमा ज़रात हो गया, आपकी जितनी प्रोडक्शन होगी, ये तमाम की तमाम जो है ना वो सूबों के पास चली गई। अब हुआ क्या, आटे और चीनी के हवाले से हमारे साथ बड़ी कामयाब राजनीति की गई, जो इंडियन फिल्मों के अंदर आप देखते हैं ना, सरकार वन, सरकार टू और राजनीति, बड़े कामयाब तरीके से आपकी 80 शुगर मिले हैं, उसमें से 60 शुगर मिले जनाब आले शरीफ, आले जरदारी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों की हैं। अब उन्होंने बड़े तरीके से जनाब चीनी की कीमतों को, चीनी की प्रोडक्शन को, चीनी के मामलात को ऊपर नीचे करके जब वो सारा मामला डिस्टर्ब किए रखा, सूबाई सारी मामलात भी होते थे। फिर उसके बाद आटे का मामला था, आटे का हमने बड़े बेहतरीन तरीके से गंदम और आटे की चीज़ों को उस्मान बुज़दार साहब की क्यादत में पंजाब हुकूमत ने कंट्रोल रखा, और 860 या 850 के करीब हमने आटे का थैला रखा। उधर सूबाई हुकूमत से
उसने बेड़ा गर्क सत्यानाश फेरी रखा और वहां पे 1400 और 1600 रुपए की बोरी जनाब मार्केट में मिल रही है, जब 600 700 800 रुपए का फर्क यहां से सिंध और पंजाब के दरमियान देखता था जब कोई आड़ती और जब कोई स्मगलर या जब कोई कारोबारी गंदम का आदमी, उसने क्या किया यहां से स्मगल करके वहां ले जाना। इस पूरे अंदाज की मारामारी में और ऊपर जनाब आपकी जिम्मेदारी आपने दी हुई है जी के जिम्मेदार जो है वो वफाक है, उस कंटेक्स्ट के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि सूबाई मामलात थे लेकिन वफाक को जो है वो इसकी जनाब बदखोई कह लो या बदनामी मोल लेनी पड़ी। लेकिन जब ये सारा माफिया जो था मुखालफीन का आले शरीफ आले जरदारी और ये आल पाकिस्तान लूटपर एसोसिएशन, इन्होंने जब क्राइसिस क्रिएट किया तो उसको काउंटर करने के लिए वफाक से फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने के पी के की हुकूमत को पंजाब की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए इंपोर्ट करने का, क्योंकि प्रोगेटिव जो है वफाक का होता है, फौरी तौर पे चीनी को इंपोर्ट करके आटे की सारी मामलात, फिर इसी तरीके से टमाटर और जनाब कुछ अहम सब्जियां ईरान से चाइना से इंपोर्ट करके चीजों को फौरी तौर पे जो है वो कंट्रोल पे लेके आए और चीनी 110 से 80 के ऊपर 75 के ऊपर जो है वो लाई गई, उस चीज को बयान किया था वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के जरिए से कि हमने उन माफियाज की जो पूरी साजिश और प्लानिंग थी उसको हमने नाकाम करते हुए जो है उस पर ले आए। क्या गलत कहा? नहीं, कुछ नहीं, मैं मतलब मैं कोई हेडमास्टर थोड़ी हूँ, मैं कह रहा हूँ गलत कहूंगा, आपने तसल्ली को जवाब दिया, फजूल की जनाब आप आगे बढ़ जाते हैं सर, देखें आगे बढ़ जाते हैं, मेरे ख्याल में बेहतर यही है। अच्छा सर, हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ चोर है, आसिफ अली जरदारी डाकू है, ये अलग बात कि वही चोर हो वही डाकू, एनआरओ नहीं दूंगा के दावों की गूंज में भी मेडिकल एनआरओ ले गए, जाहिर है कि ये तो खान साहब पे बिलावजह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने दिया होगा किसी देने वाले ने, मेरा ख्याल है। आगे बढ़ जाते हैं, एक बरतानवी रिपोर्ट है और बरतानिया में नून लीग का नाम मत लगाइएगा वरना झगड़ा बहुत तवील हो जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रवां साल जिसमें नवाज शरीफ इज्जत और जान दोनों बचाए घूम रहा है, जिस वक्त यहां मसीहा की हुकूमत है 2.5 साल हो चुके हैं, रवां साल 2020 के दौरान भी काबिले गौर है पाकिस्तान।